अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं। तो आज बच्चे घर पर थे, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी मैं, मोज़रेला पिज़्ज़ा, जो चीज़ी पिज़्ज़ा होता है। तो ये मैंने डो पहले से बना के रख ली थी। ये तकरीबन 1 कप आटा था, ये मैदा जो होता है वाइट आटा वो लिया था। इसमें मैंने इसमें ऑयल डाला, मैंने नमक डाला, थोड़ा सा आधा चमचा हेफे डाला। ये हैफे होता है, ये मैंने अदर, इससे जो है आटा फूल जाता है जो पिज़्ज़े की डो होती है। फिर इसको आप भून लें और फिर इसको रेस्ट के लिए 2-3 घंटे छोड़ दें। तो ये बड़ी अच्छी सी, ये देखें, अब डो बन चुकी है। मोसरीला पिज़्ज़े की सॉस, घर में भी बना सकते हैं आप। टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें आप ओरिगानो डालें, ऑयल डालें, नमक डालें और इसको या तो आप थोड़ा सा पका लें या फिर ऐसे ही मिक्स कर लें। कुछ नहीं है तो पिज़्ज़े की ट्रे में ऑयल लगा दें। डो को मैंने बेल लिया है और इसको ट्रे में रख दिया है ऐसे, और इसमें आप कांटे की मदद से इस तरह से शेप दे दें। बन गई टिकटॉक की, लेकिन बना नहीं होगा, फिर दो बना दे। पिज़्ज़ा सॉस आप डाल दें और इसको इस तरह से फैला दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है तो इसमें मैं कोई भी सब्ज़ी वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रही। बच्चे नहीं खाते ना, ये ज़्यादा स्पाइसी है। फिर इसमें आप ये चीज़ डाल दें, चैटर चीज़, मोज़रेला, जो आपको पसंद है फ्लेवर, और जितनी आपको चाहिए, ज़्यादा या कम। इसमें थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल डाल दें, जैतून का ऑयल थोड़ा सा। ओवन को 180 डिग्री पर आप पहले से खोल के रखें और फिर इसको आप 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दें। हमारा पिज़्ज़ा अभी बाकी है और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखें, पिज़्ज़ा हमारा रेडी है और इसका आप लुक देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। बच्चों को ये पसंद है पिज़्ज़ा, तो आप भी ट्राई करें अपने बच्चों के लिए और एंजॉय करें। कैसा लगा आपको हमारा, फिर कमेंट्स में लिखना, सब्सक्राइब करना ज़रूर और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।